IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस बहुत बड़ी पोस्ट है और एक IPS ऑफिसर बनना लोगों का सपना होता है क्योंकि इस पोस्ट को पाने के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें सफल नहीं हो पाते और कुछ लोग ये नहीं जानते कि IPS ऑफिसर बनने के लिए और इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विक सपोर्ट चैनल में और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि IPS ऑफिसर कैसे बने, IPS बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, IPS ऑफिसर बनने के लिए कौन से एग्जाम आपको देने होंगे और इसके लिए शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज मिलेंगे। IPS का फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस। एक IPS ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको काफी सारे एग्जाम्स पास करने होते हैं, फिजिकल टेस्ट देना होता है, ट्रेनिंग होती है और भी कई सारे टेस्ट होते हैं। ये सब क्लियर करने के बाद ही आपकी पोस्टिंग होती है और आप एक IPS ऑफिसर कहलाते हैं। इस IPS पोस्ट के लिए हर साल लाखों लोग इस एग्जाम में बैठते हैं और सिर्फ गिने चुने लोग ही इसे पास कर पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों को IPS बनने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है उनके बारे में अच्छे से पता नहीं होता है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि IPS के लिए योग्यता क्या है, कितनी हाइट चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, बहुत सारे और भी सवालों के जवाब पता होने चाहिए। तो आइए जानते हैं IPS ऑफिसर एग्जाम की योग्यता क्या है। IPS बनने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है। दूसरा है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। तीसरा है, IPS एग्जाम को इंडिया, नेपाल और भूटान के लोग दे सकते हैं। अब बात की जाए शारीरिक योग्यता की, तो IPS ऑफिसर बनने के लिए पुरुष के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर यानी कि 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप SC और OBC कैटेगरी के हैं तो इसके लिए आपको कम से कम हाइट 160 सेंटीमीटर यानी कि 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा 84 सेंटीमीटर चेस्ट यानी कि सीना होना चाहिए। आगे महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए हाइट कम से कम 150 यानी कि 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए है। और अगर SC OBC कैटेगरी की महिलाओं की बात की जाए तो लंबाई 145 यानी कि 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं की चेस्ट 79 यानी कि 89 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लंबाई के साथ साथ आई साइट की बात की जाए तो ठीक आंखों के लिए आंखों का विजन 6x6 या 6x9 होना चाहिए और वीक आई विजन 6x12 या 6x9 होना चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि एक IPS ऑफिसर में होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन और शारीरिक योग्यता है तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं और एक IPS ऑफिसर यानी पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। तो आइए अब आगे जानते हैं कि कैसे IPS ऑफिसर बने। पहला है, 12वीं क्लास पास करें। एक IPS ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12th की परीक्षा पास करनी होगी, किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स या आर्ट सब्जेक्ट से हो, बस आपको सबसे पहले 12th पास करनी है। दूसरा है, ग्रेजुएशन पूरी करें किसी भी कोर्स में। जैसे ही आप 12th पास कर लेते हैं तो इसके बाद अब आपको अपने हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसमें अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को पूरा कीजिए। एक IPS ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, तभी आप IPS एग्जाम में बैठ सकते हैं। तीसरा है, अब UPSC एग्जाम के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो इसके बाद UPSC एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहे तो फाइनल ईयर में भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको IAS, IPS, IRS जैसे एग्जाम देने हैं तो सभी के लिए आपको UPSC एग्जाम देना होगा, क्योंकि UPSC ही इन एग्जाम्स को कंडक्ट करता है और ये सबसे मुश्किल एग्जाम है। जैसे ही आप UPSC एग्जाम के लिए अप्लाई कर देते हैं इसके बाद आपको 3 मेन एग्जाम को क्लियर करना होगा। सबसे पहला होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम, दूसरा मेन एग्जाम और लास्ट में होता है इंटरव्यू। और ये सब क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और आप एक IPS ऑफिसर बन जाते हैं। चौथा है, अब प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर करें। UPSC एग्जाम में अप्लाई करने के बाद अब आपको सबसे पहला एग्जाम क्लियर करना होगा जिसका नाम है द प्रीलिमिनरी एग्जाम। इसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव वाले सवाल होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन वाले। तो दोनों पेपर 200-200 मार्क्स के होंगे। तो नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको इस एग्जाम को क्लियर करना होगा, जो कि बहुत ही जरूरी है। पांचवा है, मेन एग्जाम क्लियर करें। जैसे ही आप पहले एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं इसके बाद अब आपको मेन एग्जाम क्लियर करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होंगे जिसमें आपको रिटन एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू भी देना होता है और ये थोड़ा मुश्किल होता है। इस एग्जाम को बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको IPS ऑफिसर बनना है तो आपको अच्छे से
और एग्जाम में टॉप मार्क्स लाने होंगे। नंबर 6 पर है इंटरव्यू राउंड क्लियर करें। जैसे ही आपके दोनों राउंड क्लियर होंगे उसके बाद अब आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जो कि करीब 45 मिनट का होता है। तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा। यहाँ पर कई इंटरव्यू लेने वाले पैनल होते हैं जो आपसे काफी मुश्किल और ट्रिकी सवाल पूछते हैं, तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा, तभी आप एक काबिल आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। नंबर 7 पर है आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग को पूरा करें। जी हाँ, जैसे आप ये सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आपको आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। तो इसके लिए आपको मसूरी और हैदराबाद जैसे शहरों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है उसके बाद पोस्टिंग दी जाती है। तो इस तरीके से आप एक आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। और इन सारी बातों के साथ हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा और हेल्पफुल। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक आप कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन लाइक करने के साथ साथ बाकी सब लोगों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऑलरेडी आपने कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ऐसी और भी अपडेट्स के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।